उसके पास सेक्शन में लिखा हुआ है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट, कि एक बंदा इनवाइट करना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फाइव फ्रेंड्स टू डिनर। तो सबसे पहली बात कि फ्रेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो है वो है फाइव। और पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली थ्री पीपल को आपने इनवाइट करना है। तो बहुत इजी से पार्ट है यार ये लोग। पांच फ्रेंड है भाई, आपने तीन लोगों को इनवाइट करना है। अब पांच में से तीन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, फाइव सी थ्री। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फाइव सी थ्री, जो कि बराबर होगा। अब एक कॉम्बिनेशन है तो फिर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा ये चीज, 120 को डिवाइड करो 12 से तो आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। तो 10 तरीके से हम पांच लोगों में से तीन को बुला सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जरूर नहीं, पेपर में आप पेपर में तो नहीं बताएंगे ना, कॉम्बिनेशन का सवाल है, सेंस बनाओगे ना आप। क्या अगर मैं तीन दोस्तों को बुला रहा हूं तो मैटर करता है पहले किसको बुलाया, दूसरे बार दूसरे नाम पे किसको बुलाया, तीसरे नाम पे किसको बुलाया, नहीं मैटर क्या करता है, तीन दोस्त आए कौन से, ये मैटर करता है। तो ये आप पेपर में इस तरह सोच लेना। पार्ट टू में लिखा हुआ है कि थ्री और मोर के तीन भी आ सकते हैं और तीन से ज्यादा भी आ सकते हैं, अब ये पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप तीन दोस्तों को बुलाओगे, थ्री और मोर का मतलब तीन को भी बुला सकते हो, चार को भी बुला सकते हो और पांच को भी बुला सकते हो, लेकिन ये एक साथ नहीं होगा, और एक कंडीशन है, या तो तीन को बुलाओगे या चार को बुलाओगे या पांच को बुलाओगे। ऐसा नहीं कि तीन को बुलाया हुआ है और कोई बोले नहीं यार तुमने पांच को बुलाया हुआ है, फिर वही मैंने बात बोली थी कि उसको बोलेगा क्या हो गया यार, पागल हो गया, अंधे हो गए, क्या हो गया, तीन आए मैं तुम बोल रहे हो पांच आए मैं, तो एक साथ एक कंडीशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहली कंडीशन, या तो आप तीन लोगों को बुला लो तो ये हो जाएगा फाइव सी थ्री। तीन लोगों को बुलाने के क्या तरीके, फाइव सी थ्री। अगर चार लोगों को बुलाना चाह रहे हो तो हो जाएगा फाइव सी फोर। अगर पांच को बुलाना चाह रहे हो जाएगा फाइव सी फाइव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट्स व्हाई आप ऐड कर दो। ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा वन। तो ये आपके पास आ जाएगा सोलह। सोलह तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हो जिसमें तीन या उससे ज्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं। इन सोलह तरीकों में किसी तरीके में तीन लोग होंगे और बाकी तरीकों में वो तीन डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे ना, पांच में से तीन आप कर रहे हो। फिर कुछ तरीकों में चार लोग होंगे और बाकी तरीकों में मतलब पांच ऐसे तरीके होंगे जिसमें डिफरेंट चार किस्म के लोग आप बुला रहे होंगे। फिर एक तरीका ऐसा होगा जिसमें आप पांचों को बुला रहे होंगे। जितने ऑब्जेक्ट है अगर सभी सेलेक्ट कर लो तो एक ही तरीका होता है, क्योंकि सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं होगी ना यहाँ पे, तो एक ही तरीके से आप करोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका सवाल खत्म। 17 में बोला हुआ है एक पार्टी आपको बनानी है, बस यही काम है हमारा रह गया। अ पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 लेडीज एंड 5 जेंट्स। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ लेडीज कितनी है, 6 है। नंबर ऑफ जेंट्स 5 है। पार्टी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। जो पार्टी आपको बनानी है वो कितने लोगों की होनी चाहिए, 7 लोगों की होनी चाहिए। अब जरा पार्ट वन पे आ जाते हैं। पार्ट वन क्या कहता है, एग्जैक्टली 4 लेडीज। क्या बताओ कितनी पार्टी बन सकती है जिसमें एग्जैक्टली 4 लेडीज हो, एग्जैक्टली 4 लेडीज। 7 की पार्टी बनानी है, स्टॉक में 6 लेडीज हैं, 4 जेंटलमैन हैं। आपको ऐसी पार्टीज बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 4 लेडीज हो। अब इसकी पॉसिबिलिटी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे कि 4 लेडीज आपने बुलानी है, एग्जैक्टली 4 तो होनी चाहिए। तो टोटल 6 लेडीज हैं, उसमें से 4 आपने बुला ली। अब पार्टी में टोटल 7 तो होने चाहिए, अभी तक आपने 4 सेलेक्ट किए, तो बाकी 3 कौन होंगे, जेंट्स से बुला लेते हैं। तो 5 जेंट्स हैं, उसमें से आप 3 बुला लो, तो 4+3=7 हो गए, दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 6c4 क्या होता है, वेयर हाँ भूल गया, 6c4 होता है, ये तो इजी था, मैं खुद निकाल लेता, 15 होता है बाय द वे, और 5c3 तो 10 होता है, तो ये हो जाएगा 150। 150 ऐसे तरीके हैं कि जिसमें आप 7 लोगों की पार्टी बना सकते हो फ्रॉम 6 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, जिसमें एग्जैक्टली 4 लेडीज मौजूद होंगी। अच्छा, फिर लिखा हुआ है एटलीस्ट 4 लेडीज। भाई कम से कम 4 लेडीज होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जितने भी आप कर लो। तो एटलीस्ट 4 लेडीज, कम से कम 4 लेडीज। तो बिल्कुल मिनिमम कंडीशन से स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ वेज, मिनिमम कंडीशन क्या है
कि भाई चार लेडीज हो तो छह में से चार और बाकी तीन जेंट्स बुला लो आप। अच्छा अब मिनिमम से थोड़ा ऊपर जाते हैं भाई, कम से कम चार हो, ज्यादा ज्यादा पांच भी हो सकती है, तो पांच को करते हैं, छह लेडीज है उसमें से पांच को आप बुला लो, बाकी कितने मेंबर रह गए, दो, टोटल सात करने हैं ना, तो दो आप मर्दों से बुला लो, पांच मर्द हैं उसमें से आप दो बुला लो कोई भी। अच्छा कम से कम चार थी, ज्यादा ज्यादा पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, तो बिल्कुल छह को भी आप बुला सकते हो। अब पीछे एक बंदा रह गया ना, छह लड़की आपने सेलेक्ट कर ली, टोटल सात आपने बनाई है, तो एक जो है वो आप मर्दों से सेलेक्ट कर लो। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई है ही आपके पास छह लेडीज, इसके आगे कंडीशन सेवन एट नाइन टेन तक जा सकती है एटलीस्ट, ना मतलब एटलीस्ट को अगर आप लिखो ना इनइक्वालिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर लेडीज की बात की जा रही है तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक्स लेडीज है तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम चार हो, मतलब एक्स इक्वल टू फोर कम से कम, और ज्यादा ज्यादा फोर से ग्रेटर, फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट को आप इनइक्वालिटी में इस तरीके से लिखोगे। तो लेकिन यहां पे है छह लेडीज तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो सात आपने सेलेक्ट करने हैं वो सात के साथ लेडीज हो ही नहीं सकती, छह तो लेडीज हैं, सात कैसे लेडीज हो सकती हैं, तो आखिरी कंडीशन क्या है कि छह आपने लेडीज सेलेक्ट कर ली। अब सॉल्व करते हैं, ये तो 15 है, ये 10 है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो सॉल्व करो 150 प्लस 60 प्लस 5 ये हो जाएगा 215, 215 आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर थ्री में लिखा है एटमोस्ट फोर लेडीज, कि ज्यादा से ज्यादा भाई चार होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए इससे, तो एटमोस्ट फोर लेडीज, कि ज्यादा से ज्यादा चार हो, कम से कम तीन भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, अब आपने देखना है आपके पास स्टॉक कितना है उसके हिसाब से आप चलोगे, लेकिन एटमोस्ट की कंडीशन अगर आप इनइक्वालिटी में लिखो तो ऐसे लिखोगे कि भाई एक्स जो है मिनिमम क्या हो सकता है, फोर के बराबर हो सकता है, वरना एक्स जो है वो लेस देन फोर होगा, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फोर है, कम से कम तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, एटमोस्ट में नहीं वाली कंडीशन भी आती है। अब जरा देखते हैं क्या नई वाली कंडीशन इसमें होगी या कहां तक हम जा सकते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन क्या है कि चार लेडीज होंगी मैक्सिमम, हमें ये अलाउ कि हम चार लेडीज को सिलेक्ट करें, तो वही छह में से आप चार को सिलेक्ट करो, बाकी तीन जो है वो आप मर्द सेलेक्ट कर लो, प्लस आप तीन लेडीज भी कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा चार हो, कम से कम तीन भी हो सकती है, तो छह में से आप तीन सेलेक्ट करो, बाकी चार लोग कहां से करो, जेंट से कर लो, तो बाकी चार जो है वो पांच जेंट से, उसमें से मैंने कर लिया, कम से कम में दो लेडीज भी हो सकती हैं, तो आप छह में से दो को सेलेक्ट करो, बाकी आपको पांच लोग चाहिए, वो पांच जो है वो आप जेंट से कर लो। अब इससे नीचे भी आप जा सकते थे, क्या आप एक लेडीज को सेलेक्ट करते, आप जीरो लेडीज को सेलेक्ट करते, लेकिन अगर आप एक लेडी को सेलेक्ट करते तो बाकी छह क्या करने पड़ते, मर्द, मर्द है ही पांच, तो छह कैसे करोगे, तो ये बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन है, क्योंकि पांच में से पांच मर्द ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाली कंडीशन में अगर आप एक लेडी सेलेक्ट करते बिल्कुल सही था, लेकिन छह जेंट्स कहां से सेलेक्ट करते हैं, ही पांच आपके पास, तो पांच में से छह कैसे करोगे आप, कोई रिपीटेशन तो नहीं है ना यहां पे, कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्पिटिशन कोई रिपीटेशन नहीं होती, जितना आपके पास स्टॉक है वही आप कर सकते हो सेलेक्ट जा रही है जो भी आपने करना है, तो ये बिल्कुल आखिरी कंडीशन है। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15 10 प्लस 6 C3 क्या होता है, अल्लाह मिला करे 20 होता है, और 5 C4 तो 5 होगा, और 6 C2 क्या होगा जो C6 4 है, मतलब 15 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 150 प्लस 100 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 265, तो 265 आपके पास तरीके आ जाएंगे। ये हो गया पार्ट 3 एंड। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है अ फादर हैज 8 चिल्ड्रन, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई 8 बच्चे हैं भाई फादर के, माशाल्लाह, तो हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 8, ब्रैकेट में जा रहा माशाल्लाह भी लिखने का, नजर ना लग जाए भाई, लिखा हुआ ही टेक्स देम 3 एट अ टाइम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकन एट अ टाइम 3, भाई तीन बच्चों को एक साथ, मतलब सारे लोग कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, तीन लोगों को सेलेक्ट करना है, 8 है एट अ टाइम आपने तीन लोगों को सेलेक्ट करना है, और वो भाई लेके जाते हैं जू, बहुत ही फारिग चल रहा है, एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन, कि यार वो तीन बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेकिन हर दफा वो तीन बच्चे अलग होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल पहले अमजद चला गया, उसके साथ हमजा चला गया, उसके साथ साजिद चला गया, नेक्स्ट टाइम अमजद हमजा इसके साथ तीसरा बच्चा अलग होना चाहिए, क्योंकि अगेन अगर साजिद चला गया तो फिर वही तीन की जोड़ी दोबारा वही आ जाएगी। ऐसा नहीं कि तीन की जोड़ी जो बने उसमें हर दफा मतलब एक बच्चा जो चला गया वो दोबारा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। जो ग्रुप है ना पूरा, एक ग्रुप अगर एक दफा गया दोबारा वो नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमजा साद असद ये एक दफा जू चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम दोबारा ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सेम तीन बंदों को दोबारा लेके नहीं जाएगा। हाँ इसमें से कोई अलग कर लो, भाई आठ बच्चे हैं ना, आप असद को निकाल दो, असद की जगह आप सेलेक्ट कर लो इमरान खान को, हो सकता है इमरान खान नाम, तो आप देखो अब ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तीन बच्चे गए लेकिन ये सेम तीन बच्चे नहीं है जो पहले लेके गया था, डिफरेंट है थोड़े। फिर नेक्स्ट टाइम एच एस को आप बेशक सेम रखो, कोई मसला नहीं है, जोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, एच एस आई दोबारा नहीं हो सकता, तीनों बंदे दोबारा वो नहीं हो सकते, उनमें से कोई अलग कर लो, एक अलग कर लो, दो अलग कर लो, कुछ भी। नेक्स्ट टाइम आप नवाज शरीफ को है भाई, उसके बच्चे नवाज शरीफ नाम रखा हुआ है, मेरा थोड़े ना मसला उसे रखा लेना, तो एच अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनानी है कि जो एक दफा ग्रुप चला गया सेम ग्रुप दोबारा नहीं जा सकता, उसमें कोई अरेंजमेंट चीजें आप एक बच्चे को निकालो काम पीछे लगाओ दूसरे को साथ डाल दो, ग्रुप अलग होना चाहिए पूरा, ये पॉसिबिलिटी सारी चल रही है। फिर लिखा हुआ है टेकिंग द सेम, हाँ वही कि एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम थ्री चिल्ड्रन मोर देन वंस, कि सेम तीन बच्चे जो है वो दोबारा नहीं जा सकते। हाउ ऑफन विल ही गो, पहला सवाल कि ये अगर छिछोरपन कर रहा है वो मतलब रेगुलर जू जा रहा है, कोई ऐसी कंडीशन तो आएगी ना जिसमें सारे ग्रुप वो ले गया। फॉर एग्जाम्पल आठ है, आठ में से अगर आप तीन का ग्रुप बनाओगे तो 8C3 का आंसर क्या होता है, 56 होता है, गैस देख कंफर्म भी कर लेंगे, तो 56 ही तरीके बन सकते हैं आठ में से तीन को लेके जाने के, मतलब 56 ऐसे तरीके हैं जिसके बाद मतलब 56 दफा वो जू जाएगा कोटा पूरा, उसके बाद वो दोबारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि दोबारा अगर वो जाएगा तो वो किसी ग्रुप को दोबारा रिपीट कर रहा होगा। कि फॉर एग्जाम्पल पहले दिन अगर ये गए थे ना तो 56 दिन बाद अगर वो 57 दिन जाएगा तो उसको कोई ना कोई ग्रुप दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। मुझे किसने बताया, कॉम्बिनेशन ने बताया, कॉम्बिनेशन कहती है कि अगर आपने आठ में से तीन सिलेक्ट करने, और जाहिर सी बात है हर दफा सिलेक्शन थोड़ी अलग होगी, जैसे सिलेक्शन अलग है ये सिलेक्शन अलग है ये सिलेक्शन अलग है, तो 8C3 56 सिलेक्शन बन सकती है, 56 दफा वो जू जा सकता है जिसमें कोई बच्चा ग्रुप पूरा ग्रुप रिपीट नहीं कर सकता। ये पहले वैसे पार्ट का आंसर है, मेरी बात उससे पहली बात लिखी हुई हाउ ऑफन विल ही गो, तो आप पार्ट वन में लिखो हाउ ऑफन विल फादर गो, फादर लिख देते ना, ही का क्या मतलब है, ही का जिक्र ही नहीं किया हमने ऊपर, हाउ ऑफन विल फादर गो, भाई जो बाप है ना वो कितनी दफा जाएगा, ठीक है तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वेज, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाएं नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, आठ बच्चे उसमें से उसने तीन सेलेक्ट करने हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। कॉम्बिनेशन आपको बता देगा आठ में से तीन कितनी दफा आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी सब, तो 8C3 का आंसर क्या हो जाएगा 56। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जब सवाल थोड़ा छोटा है तो आप सॉल्व करके दिखा दो, जब बड़ा होता है तो चलो जल्दी आप कर लो ये कर लो, तो आप सॉल्व करो नीचे 5 factorial ऊपर क्या होगा 8 × 7 × 6 और 5 factorial नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 8 और 7 8 7 तो 56, तो 56 दफा फादर जो है वो जू जाएगा इस तरीके से कि उसके साथ तीन बच्चे होंगे और जो सेम तीन बच्चे हैं वो इन 56 वेज में दोबारा जू नहीं जाएंगे, तो ये तो हो गया फादर कितने दफा जाएगा। फिर लिखा हुआ है हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करो कि जो 56 वेज है इन 56 वेज में कोई एक चिल्ड्रन कितनी दफा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंसिडर कर लो ABCD है ना, ABCDEFGH भाई ये आठ बच्चे हैं आपके पास, आपने तीन तीन का ग्रुप बनाना है, ठीक है 56 बनेंगे, मैं कुछ लिख देता हूं उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ABC, फॉर एग्जाम्पल ABD, दैट्स इट, मैंने सब क्या लिखे हैं। अगर आप इन सब सिलेक्शन में देखो ये आठ में से तीन की सिलेक्शन है, हर दफा सिलेक्शन डिफरेंट है तो क्राइटेरिया आपने फुल कर दिया, एक सिलेक्शन दोबारा मैंने कंसीडर नहीं की। अगर आप इन सब सिलेक्शंस में देखो तो ए मौजूद है और इसके अलावा ऐसी कोई सिलेक्शन नहीं है जिसमें ए मौजूद होगा, आप कोई और सिलेक्शन बनाओ उसमें ए नहीं होगा, चाहो तो कर लो कोई और सिलेक्शन बनाओ, अगर कोई ऐसी सिलेक्शन बनाओ जिसके अंदर ए होगा तो पहले आपने काउंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप रैंडम कहते हो यार मैं एक जी को करता हूं, मैं डी को करता हूं, एक मैं ए को करता हूं, ये ऑलरेडी कवर हुई भी होगी बट ढूंढने की बात है,
एडी जे ये देखो ये कवर है ऑलरेडी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, तो मैंने ए वाली सारी कवर कर ली है। बनाने का तरीका बड़ा इजी होता है, ए बी को पकड़ो सी के साथ करो, फिर ए बी डी, फिर ए बी ई, करते करते एच तक चले जाओ, फिर बी को हटा दो, ए और सी को पकड़ लो, ए सी डी, ए सी ई, ए सी एफ, ए सी जी, ए जी एच, करते करते फिर ए डी पकड़ लो, फिर ए ई, फिर ए एफ, फिर एंड में ए जी एच, ए की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ए मौजूद हो, इनके अलावा ए मौजूद नहीं होगा, तो आप काउंट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल गिनते कितनी है, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, अच्छा ये हो जाएगा पांच चौदह, ये है चार अठारह, ये है तीन इक्कीस। तो यहां से आपने देखा जो ए वाला बच्चा है ना वो 21 दफा जा रहा है। इन सब पॉसिबिलिटी में वाला बी देखो, तो बी एक दो तीन चार पांच छह, बी जो है वो तकरीबन छह दफा जा रहा है, लेकिन बी के और बेस भी होंगे, मतलब किसी और के साथ भी जा सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बी एफ जी, ये बी सातवीं दफा चला गया। तो कहने का मतलब किसी एक बच्चे के रिस्पेक्ट से आप बात कर लो, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप देखो एक बच्चे के हिसाब से हमने बात की, पॉसिबिलिटीज बनाई है, इन सब पॉसिबिलिटी में बाकियों की भी कवर हो रही है, कि इन सब पॉसिबिलिटी में बी छह दफा जा रहा है, इसी तरह सी जो है वो पांच दफा जा रहा है, बाकी की भी पॉसिबिलिटी होगी। जैसे बी छह दफा जा रहा है तो 21 के अलावा जो बाकी पॉसिबिलिटी है, टोटल 56 है ना, तो बाकी पॉसिबिलिटी में अगर आप मिलाओगे तो बी के भी 21 बन जाएंगे, फिर आप सी के मिलाओगे सी के भी 21 बन जाएंगे, टोटल 56 पे अगर आप सब लिस्ट करो ना, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप सब लिस्ट करके देख लेना। टोटल जब लिस्ट करोगे आप सब में गिनोगे, ए 21 दफा होगा, बी 21 दफा होगा, ठीक है, सब होंगे 21 दफा। अब सवाल है कि तुम्हें लिस्ट करके लिखा है, पेपर में कैसे करोगे, इतना टाइम तो नहीं कि आप लिस्ट करके बना के देखो। तो उसका तरीके बिल्कुल तरीके मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो। भाई एक दो तरीके हैं, लाइक जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जिस हिसाब से अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हो, भाई जितने कॉम्बिनेशन के सवाल है वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल तो हो सकते हैं, बस उसमें हर दफा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो अजीब सा लगता है, डिवाइड बाय जितने सेलेक्ट किए उतने फैक्टोरियल से, तो इसलिए हम दैट्स व्हाई हम इसमें यूज नहीं करते फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल बात है, उन्हीं से तो एक कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन आई है, तो आप हर केस में यूज कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो सवाल को, एक पहला मेथड है, मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल मैं कॉम्बिनेशन से करवाऊंगा, तो मैं करवा रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बताता हूं। अच्छा कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेंस है, भाई आप कंसीडर करो एक चाइल्ड के रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, वो चाइल्ड फॉर एग्जांपल अगर आप आठ है ना, आठ में से तीन का आपने ग्रुप बनाना है। अभी हमने जैसे देखा था ना एक सवाल जिसमें बोला था कि यार रेड बॉल को निकाल, व्हाइट और ब्लैक को निकाल दो, तो आपने क्या बोला था यार 10 बॉल थी, ब्लैक व्हाइट को निकाल देते पीछे आठ बचेंगी, आठ में से आप सात सेलेक्ट कर लो। सेम वही काम यहां पे करो, आप टोटल आठ बच्चे, आपको तीन का ग्रुप बनाना, आप एक काम करो एक बच्चे को फिक्स कर दो, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो फिक्स हो गया, वो लाजमी जाएगा बाप के साथ, ठीक है। तो अब आपने तीन सेलेक्ट नहीं करने, एक तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिए, ये हमेशा जाएगा, हम देख रहे ना कितनी पॉसिबिलिटी में ये स्पेसिफिक बच्चा जा रहा है, तो आप क्या करो इस बच्चे को फिक्स कर लो। अब आपके पास बाकी दो प्लेसेस हैं, तो आप क्या करो भाई दो बच्चे और आपने सेलेक्ट करने, टोटल कितने बच्चे हैं, अब सात है, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी यहां पर निकाल के खड़ा कर दिया ना, अब आपको दो मजीद इसके साथ बच्चे लेके जाने, और टोटल आपके पास चॉइसेस कितनी है, सात चॉइसेस हैं। तो सिंपल इसका सवाल क्या बनेगा, 7c2 सॉल्व करो, 7 factorial 5 factorial 2 factorial, तो ये क्या हो जाएगा, जब सिंप्लीफाई करोगे ऊपर 7 और 6 होगा, 7 3 21, तो बच्चों 21 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन का तरीका है कि एक जब लाजमी आप एक बच्चे के हिसाब से बात करो कि उस बच्चे को आप फिक्स कर दो, इस हम देखते हैं कि ये बच्चा कितनी सिलेक्शन में जा रहा है, तो उसको हमने फिक्स कर दिया, बाकी दो बच्चे आप साथ में सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपको ऐसे 21 वेज मिल जाएंगे जिसमें ये बच्चा जा रहा होगा और इसके साथ बाकी दो डिफरेंट बच्चे जा रहे होंगे, इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है वो बनेगी नहीं, उसमें ये बच्चा नहीं होगा, या फिर वो अगर आप जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो दोबारा रिपीट हो जाएगा कि दो बच्चे जो इसके साथ गए थे वो दोबारा इसके साथ आ जाएंगे, तो ये आखिरी मैच बनेगा इसका। अगेन ये चीज मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको बताई है, ये तो कॉम्बिनेशन वाली बात है ना, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो कि यार आपके पास तीन जगह, तीन बच्चे लेके जा रहे हैं तीन जगह, पहली वाली जगह जो है उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, उसको एक ही तरीके से फिल कर सकते हो, क्योंकि जो पहला बच्चा उसको तो लेके जाना है हमें लाजमी, हमने यही तो देखना है कि एक बच्चा कितनी दफा जा रहा है, तो आप फिक्स कर दो कि पहली पोजिशन पे पहला बच्चा जरूर आ रहा है। अब बाकी पोजिशन पे भाई कोई भी साथ आ सकते हैं, साथ में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर लो, फिर फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया पीछे आपके पास छह बच्चे, छह में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो ये आपके पास तीन बच्चे सेलेक्ट हो गए।
तो अगर ये परमोटेशन होता तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देते, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में जितनी आप सिलेक्शन करते हो ना उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे पहली पोजीशन को आपने फिक्स कर दिया था, असल आपने दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन को सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे टू फैक्टोरियल से। जितनी पोजीशन आपने सेलेक्ट की है ना उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो, कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो ना, ये वही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो आपने फिक्स कर दिया था, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो कंसिडर ही नहीं किया, असल हमने सेलेक्ट इसको किया है, तो प्लस को सेलेक्ट किया तो आप डिवाइड कर दो टू फैक्टोरियल से अगर आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चाह रहे हो। तो अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, और सेम आंसर आ रहा होगा 21। तो बच्चों मैंने दिखा भी दिया, कॉम्बिनेशन से करके भी दिखा दिया, फर्स्ट जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है उससे भी बता दिया, प्रोडक्ट प्रिंसिपल के अंदर मॉडिफिकेशन हुई भी है, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा, मॉडिफिकेशन आपने की भी है। तो डिफरेंट अंदाज से सवाल को मैंने समझा दिया आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। इस लेक्चर में इतना ही, 7.3 हमारी कंप्लीट है। इंशाल्लाह जो बाकी लेक्चर्स आएंगे, दो लेक्चर उसमें 7.1, 2, 3 की एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।